इन दिस लेक्चर we विल टॉक अबाउट द methods फॉर रिमूविंग permanent हार्डनेस तो हम इस लेक्चर में परमानेंट हार्डनेस के रिमूव करने के तरीके को देखेंगे कि कौन कौन से मैथड इन्वॉल्व होते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें परमानेंट हार्डनेस की तो परमानेंट हार्डनेस आर कॉज ड्यू टू सल्फेट क्लोराइड एंड नाइट्रेट और मल्टीवेलेंट कटाइस तो बेसिकली वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस होता है यानी कि वाटर को सॉफ्ट बनाने के तरीके को हम वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं या तो हम रिमूवल ऑफ हार्डनेस के तरीके को वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं हमने इससे पहले टेम्प्रोरी हार्डनेस के तरीके देख लिए बॉयलिंग और एडिशन ऑफ लाइम ठीक है तो अब हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की तो परमानेंट हार्डनेस के लिए कुछ स्पेशल मैथड्स हैं वाटर सॉफ्टनिंग के उसमें है जियोलाइट प्रोसेस डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस एंड लाइम सोडा प्रोसेस तो हर मैथड्स के अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं तो हम यही तीनों मेथड को वन बाय वन पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जियोलाइट प्रोसेस ठीक है तो जियोलाइट प्रोसेस या तो इसी को हम कहते हैं बेस एक्सचेंज प्रोसेस या तो कटायन एक्सचेंज प्रोसेस उससे पहले मेथड को डिटेल में पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि पहले जियोलाइट्स होते क्या तो जियो है ठीक है तो जियोलाइट्स आर नेचुरल सॉल्ट और क्ले विच आर हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम हैविंग द जनरल फॉर्मूला एज मतलब कि ये नेचुरल सॉल्ट या क्ले होते हैं जो कि आपके सिलिकेट हाइड्रेटेड सिलिकेट्स ऑफ सोडियम एलुमिनियम होते हैं ठीक है अगर हम उसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ये ऐसे है एन ए टू ओ एल टू ओ थ्री डॉट एक्स एस आई ओ टू डॉट वाई एस टू ओ इसमें एक्स क्या है ग्रेटर देन टू है और वाई क्या है कोई भी रेंजिंग क्वान्टिटी हो सकती है तो बीस जियो ये एक जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एन ए टू जेड ठीक है Na2Z, Z क्या है बेसिकली Z है बेसिकली कॉम्प्लेक्स जियोलाइट रेडिकल्स यानी कि अगर हम बात करें Z की क्या है तो Z है ओ एल टू ओ थ्री डॉट एक्स आई ओ टू डॉट वाई एस टू तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि एन ए टू जेड जेड क्या है कॉम्प्लेक्स जियोलाइट रेडिकल्स अगर हम बात करें कि द मोस्ट कॉमनली नेचुरली अकलिंग जियोलाइट कौन सा है वो है ग्रीन सैंड ग्रीन सैंड इज द नेचुरली अकलिंग मोस्ट कॉमन जियोलाइट तो जियोलाइट क्या है जियोलाइट आर नेचुरल सॉल्ट और क्ले विच आर हाइड्रेटेड सिलिकेट्स ऑफ सोडियम एंड एलुमिनियन हैविंग द कैम जनरल फॉमूलाज ए टू ओ एल टू ओ थ्री डॉट एक्स आई ओ टू डॉट वाई एस टू और उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एन Z जेड जेड क्या है कॉम्प्लेक्स जिओलाइट रेडिकल्स ठीक है तो ये जिओलाइट हो गया इसी तरह एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है यानी कि सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड जियोलाइट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रेजेंस रेजेंस दीज आर सिंथेटिकली मैनुफैक्चर्ड जियोलाइट्स लाइक सब्सैंड जियोलाइट जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं रेजन्स क्या होते हैं रेजेंस जो होते हैं वो आपके सिंथेटिकली मैनुफैक्चर किए जाते हैं यानी कि आर्टिफिशियली मैनुफैक्चर किए जाते हैं और ये जियोलाइट की ही तरह होते हैं अगर हम मोस्ट कॉमन रेजन्स की बात करें ठीक तो है तो मोस्ट कॉमन रेजिन है परम्यूटेड परम्यूटेड इज द मोस्ट कॉमन सिंथेटिक रेजन्स विच इज वाइट इन कलर परम्यूटेड का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है ठीक है और ये मैनुफैक्चर कैसे किया जाता है इट इज़ मैनुफैक्चर फ्रॉम फेल्सपार कालोइन एंड सोडा फेल्स्पारिक मिनरल है काउलिन क्ले ठीक है और सोडा एनेटू सी होती है तो वो इससे मैनुफैक्चर किया जाता है अब जियोलाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं ठीक है जियोलाइट का इस्तेमाल वाटर सॉफ्ट में क्यों करते हैं और कैसे ये वाटर को सॉफ्ट बनाता है आइए हम वो देखते हैं तो जो जियोलाइट्स हैं जैसे ये हो गया ठीक है या तो परम्यूटेट हो गया तो जियो और रेजिन जो भी हो गए इनके पास बहुत ही एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अपने कटाइंस को एक्सचेंज कर लेते हैं यानी कि दीज हैव एक्सीट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सचेंजिंग देयर एयर कटाइंस अगर हम बात करें इसमें तो एन है तो ये जो है सोडियम दिस इज कटाइन तो ये इसको जियोलाइट क्या होंगे इसको आसानी से ये रिप्लेस कर लेंगे रिप्लेस तो कर देंगे और कोई दूसरा कटाइंस ले लेंगे ठीक है कोई दूसरा कटाइंस क्या करेंगे ले लेंगे तो जो जियोलाइट्स की होती है जियोलाइट्स हैव द एक्सीलेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सचेंजिंग देयर कटाइंस तो अगर मैं बात करूं जियोलाइट्स व एक्सीलेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सचेंजिंग द एयर ठीक है तो वाटर सॉफ्टनिंग में कैसे जियोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं देखिए हार्ड वाटर क्या है हार्ड वाटर में आपकी कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये सब प्रेजेंट रहते हैं तो यहाँ जो कैल्शियम है ये सब क्या है कैल्शियम है मैग्नीशियम है दीज दीज आर आर यानी कि डिफरेंट सॉल्ट ऑफ मल्टी वैलेंट कटाइंस वाटर में प्रेजेंट है वो हार्डनेस दे रहा है अब जियोलाइट कैसे इस्तेमाल करा जाता है उस हार्ड वाटर को सॉल्ट बनाने के लिए तो ये जो जियोलाइट का कटायन है एन एन ए सोडियम ये रिप्लेस हो जाएगा जो हार्ड वाटर में डिफरेंट कटायंस के सॉल्ट प्रेजेंट है उनसे क्लियर है अगर मैं रिएक्शन की बात करूं ठीक है अगर मैं रिएक्शन की बात करूं ठीक है तो जियोलाइट क्या है जियोलाइट है तो ये सॉफ्टिंग में क्या होता है ड्यूरिंग सॉफ्टिंग ऑपरेशन ये होता है कि जो सोडियम आयन है जो सोडियम आयन है जियोलाइट का वो किससे रिप्लेस हो जाता है वो रिप्लेस हो जाता है कैल्शियम एंड मैग्नीजियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर ठीक है तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टनिंग प्रोसेस में ठीक है तो जिओलाइट्स के जो कटायन है यानी कि सोडियम कटायंस ऑफ जियोलाइट आर रिप्लेस्ड बाय रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीजियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग ऑपरेशन क्लियर है तो क्या जब हम हार्ड वाटर जियोलाइट से पास करते हैं तो जियोलाइट का जो कटायन है वो एक्सचेंज हो जाता है किससे एक्सचेंज हो जाता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है हार्ड वाटर में अगर मैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व की बात करूं कि जो जियोलाइट प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि सपोज आपका जियोलाइट ये है एन ए टू जेड प्लस अब हार्डनेस प्रेजेंट है आपकी मान लेते हैं कैल्शियम की भी हार्डनेस प्रेजेंट है मैग्नीजियम की भी हार्डनेस प्रेजेंट है और यह हार्डनेस आपकी बाईकार्बोनेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट है यह आपकी सल्फेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट है और यह आपकी क्लोराइड के फॉर्म में भी प्रेजेंट है ठीक है दिस इज वॉट दिस इज सोडियम जियोलाइट और ये क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट ठीक है तो जब ये रिएक्ट करता है ठीक है यानी कि जब ये वॉटर हार्ड वॉटर आपका जियोलाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये जो होता है सोडियम आयन जियोलाइट का वो किससे रिप्लेस हो जाता है वो रिप्लेस हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से तो ये कैसे मैग्नीजियम जो लाइट फॉर्म कर लेंगे और साथ ही साथ फॉर्म कर लेंगे सोडियम के सॉल्ट यानी कि बाइकार्बोनेट कार्बोनेट सल्फेट एंड क्लोराइड ठीक है ये है सोडियम सोल्ट एंड दीज डू नॉट प्रोड्यूस हार्डनेस ये हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं बिकॉज हार्डनेस इज प्रोड्यूस बाई मल्टीवेलेंट कटाइंस ये है मोनोवेलेंट कटाइंस के सॉल्ट तो सोडियम के सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं डू नॉट कॉजेज हार्डनेस ठीक है और क्या बन जाता है और बन जाता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जियोलाइट्स ठीक है और क्या फॉर्म हो जाता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जियोलाइट्स तो इस तरीके से हम हार्डनेस को रिमूव करते हैं लेकिन अब देखिए ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट हैं ये यूज्ड अप जियोलाइट्स हैं ठीक है ये क्या है यूज अप लाइट है यानी कि ये एग्जॉस्टेड हैं अब फर्दर अगर हमें वाटर ऐड करना है ट्रीट करना है या तो उसको हार्ड से सॉफ्ट बनाना है तो इन जियो ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये किससे रिप्लेस हो गए ठीक है ये जो एक्टिव जियोलाइट था वो रिप्लेस हो गया सोडियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट से तो अब क्या होगा अब हम करते हैं रीजनरेशन ठीक है यानी कि अब इन जियोलाइट को हम फर्दर फर्दर एक्टिव जियो में चेंज करते हैं ताकि जो सॉफ्टनिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो सके तो अगर हम बात करें अब नेक्स्ट इसमें होता है एक रिएक्शन इनवॉल्व रीजनरेशन क्योंकि देखिए जैसे जैसे जियोलाइट यूज करते जाएंगे हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वैसे वैसे जियोलाइट क्या हो जाएगा यूजअप होता जाएगा यूज होता जाएगा तो वो किसमें चेंज होता जाएगा कैल्शियम और मैग्नीसियम के जियोलाइट में एंड दीज आर इनएक्टिव कंपाउंड ये आपके वाटर को सॉफ्ट नहीं बनाएंगे तो हमको इनको फिर से चेंज करना है एक्टिव जिओलाइट्स में तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन और रीजेनरेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जिओलाइट्स फॉर्म हो रहे हैं ठीक है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट फॉर्म हो रहे हैं इनको हम ब्राइन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं दिस इज ब्राइन सॉल्यूशन NaCl और कितना पांच से दस परसेंट यानी कि ये जो यूज लाइट है इसमें हम ब्राइन सॉल्यूशन ऐड करते हैं या तो हम इनको ब्राइन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं पांच से दस परसेंट तो अब ये फिर से किसमें चेंज हो जाते हैं एन ए टू जेड प्लस तो ये सिर्फ फिर से आपका क्या हो गया एक्टिव जियोलाइट में चेंज हो गए यानी कि अब फर्दर हम क्या करेंगे सॉफ्टनिंग प्रोसेस फर्दर हम रिज्यूम कर सकते हैं तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व है ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग ऑपरेशन पहले क्या होती है हार्डनेस रिमूव हो जाती है हार्डनेस रिमूव हो जाती है तो क्या बन जाता है सोडियम और सोडियम सॉल्ट बन जाते हैं जो कि आपके हार्डनेस कॉज नहीं करते हैं फिर क्या होता है रीजनरेशन प्रोसेस करते हैं क्योंकि जो यूज एक्टिव जियोलाइट है जो कि चेंज हो जा रहा है कैल्शियम और मैग्नीजियम जियो जियोलाइट्स में अब फर्दर सॉफ्टनिंग को रिज्यूम करने के लिए हमें रीजनरेशन करना पड़ेगा यानी कि इस यूज जियोलाइट को इस एक्टिव जियोलाइट में चेंज करना पड़ेगा तो उसमें हम क्या करेंगे सोडियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे इन यूज जियोलाइट को यानी कि पांच से दस परसेंट तो फिर से वो क्या हो जाएगा एक्टिव जियोलाइट में चेंज हो जाएगा अगर हम कैसे ट्रीट करते हैं ठीक है तो इसके लिए एक बेसिकली एक इक्विपमेंट यूज होता है जिसको हम कहते हैं जियोलाइट सॉफ्टनर तो आइए अब हम बात करते हैं जियोलाइट सॉफ्टनर में क्योंकि हम कैसे जियोलाइट की मदद से वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं या तो हार्डनेस को रिमूव करते हैं क्लियर है तो सॉफ्टनर कुछ इस प्रकार से दिखता है ठीक है कटाइन तो एक्सचेंज यूनिट भी कहते हैं है। बेसिकली अगर मैं बात करूं ये जियोलाइट सॉफ्टनर का तो ये प्रेशर टाइप जियोलाइट सॉफ्टनर है प्रेशर टाइप का मतलब होता है वाटर एक प्रेशर से इसमें एंटर कर रहा है ठीक है और दो टाइप के होते हैं ग्रेविटी टाइप होता है एक आपका होता है प्रेशर टाइप तो ये होता है बेसिकली प्रेशर टाइप है ये ठीक है तो आप इसमें देख रहे होंगे कि एक बेड है ठीक है जियो बेड यानी कि जेड ठीक है यानी की लेयर एक बिछा दी गई है इसके अंदर ठीक है ये आप देखिएगा ये चैंबर है वाटर कलेक्टिंग सिस्टम ये आपका बेस कंक्रीट नीचे कंक्रीट का बना होता है ठीक है दिस इज इनलेट से पानी इंटर करता है हार्ड वाटर ठीक है और यहाँ से देखिए दिस इज़ फिल्टर वाटर आउटलेट कि यहाँ से जो वाटर निकल रहा है वो हम बाहर यहाँ से ले सकते हैं और ये सब जो है ये सब वॉल्व है ठीक है वॉल्व है बेसिकली हम कह सकते हैं नल टाइप के हैं कि हम इनको पानी के फ्लो को रोक भी सकते हैं दीज आर वॉल्व ठीक है ये पानी को फ्लो को रोका जा सकता है ठीक है देखिए अब ये जो कनेक्टेड है ये आपके ब्राइन टैंक से कनेक्टेड है दिस इज ब्राइन टैंक ठीक है ब्राइन टैंक यानी कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तो री जनरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये नीचे जो लगे हैं दीज आर स्ट्रेनर दीज आर स्ट्रेनर ये जो नीचे लगे हुए हैं इनका काम होता है कि जो वाटर फिल्ट जियोलाइट से आ रहा है यानी कि जो वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन जियोलाइट से आ रहा है ठीक है उसको कलेक्ट करके इस वाटर कलेक्टिंग सिस्टम से बाहर लेने के लिए अब क्या प्रोसेस होता है ठीक है क्या करते हैं हम हार्ड वाटर को यहाँ से एंटर कराते हैं ये वॉल्व खोल के हार्ड वाटर को एंटर कराए जब वाटर जब हार्ड वाटर को एंटर कराएंगे तो ये दोनों वॉल्व को क्लोज रखेंगे ठीक है ये दोनों वॉल्व को क्या करेंगे क्लोज रखेंगे हार्ड वाटर एंटर किया यहाँ से दिस इज हार्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूटर वाटर यहाँ पे आके बन गया अब ये हार्ड वाटर क्या करेगा जियोलाइट की बेड से पास होगा ठीक है जियोलाइट की बेड क्या है दिस इज एने टू जेड अब वाटर में क्या प्रेजेंट रहेगा कैल्शियम और मैग्नीजियम के सॉल्ट प्रेजेंट रहेंगे तो जब कैल्शियम और मैग्नीजियम के सॉल्ट इससे रिएक्ट करेंगे तो वो कैल्शियम और मैग्नीजियम के जियोलाइट फॉर्म कर लेंगे और सोडियम के सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे तो अब वॉटर के साथ सोडियम के सॉल्ट नीचे ट्रेवल करने लगेगा अंडर ग्रेविटी यहां से कलेक्ट होकर हम वो पानी को बाहर निकाल लेंगे इस वॉल्व को ओपन करके तो समझिएगा कि हार्ड वाटर आ रहा है वो बेड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट या तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ठीक है तो जब वो हार्ड वाटर इस बेड से रिएक्ट करेगा तो आपकी ये रिएक्शन अगर करेंगी ये रिएक्शन अगर करेंगी ठीक है तो वाटर में अब क्या हो जाएगा सोडियम सॉल्ट विच डू नॉट कॉजेज हार्डनेस और धीरे धीरे ये जो

सोडियम के जियोलाइट को सोडियम के जियोलाइट में बदलना है तो उस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन तो उसके लिए क्या करेंगे यहां से हम इसको क्लोज कर देंगे ठीक है इस वॉल्व को क्लोज कर देंगे यहां से हम नॉर्मल वाटर सप्लाई लाएंगे ठीक है क्या करेंगे सबसे पहले कि हम इस जियोलाइट को जो यूज जियोलाइट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का उसको वॉश करेंगे विद विद द हेल्प ऑफ वाटर तो वाटर अपना लाएंगे बाय रिवर्सिंग द फ्लो यानी कि पहले फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा था फ्लो को हम इधर से ऊपर पास करेंगे पहले फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा था फ्लो को हम इधर पास करेंगे यानी कि ड्यूरिंग वॉशिंग तो हम नॉर्मल वाटर को लाए फिर यहाँ पे पास कराया नॉर्मल वाश वाटर को तो अच्छी तरीके से यूज जियोलाइट को धुल लेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे इस वाटर टैंक से इस ब्राइन टैंक से हम ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जब ये सोडियम और मैग्नीजियम जियोलाइट जो है वो ब्राइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम जियोलाइट में यानी कि एक्टिव जियोलाइट में और पानी के साथ फिर क्या आ जाएगा पानी के साथ आपका ये बाहर निकल आएगा ठीक है ये बाहर निकल आएगा तो इसको हम यहां से कलेक्ट कर सकते हैं वो आपका सॉफ्टन वाटर नहीं है वो क्या है वेस्ट वाटर है वेस्ट वाटर किस में रीजनरेशन में जो इस्तेमाल किया गया ठीक है तो जब ये फिर एक्टिव ज्योलाइट में बदल जाएगा तो फिर हम ये दोनों वॉल्व क्लोज करके यहां से अपना हार्ड वाटर को एंटर कराएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर वो इससे रिएक्ट करेगा सोडियम जियोलाइट से वाटर को सॉफ्ट बनाएगा वाटर को कलेक्ट करके इस वॉल से बाहर ले लेंगे तो ये आपकी जियोलाइट सॉफ्टनर की वर्किंग है ठीक है अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की कि पानी कितनी तेजी से छनता है इसमें तो इसमें क्षमता है तीन सॉरी 300 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है जियोलाइट सॉफ्टनर से क्लियर है तो ये जियोलाइट सॉफ्टनर आइए बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जियोलाइट प्रोसेस की तो एडवांटेज की बात करें तो ज़ीरो हार्डनेस कैन बी अचीव यानी कि ये हार्डनेस को पूरी तरीके से रिमूव कर देता है ये प्रोसेस क्लियर है तो यानी कि अगर हमें वाटर स्पेशल टेक् यूज़ चाहिए स्पेशल यूज़ के लिए चाहिए जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए बॉयलर्स के लिए जहाँ पे जीरो हार्डनेस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम जियोलाइट प्रोसेस से बना सकते हैं और क्या एडवांटेज है प्लांट इज़ कॉम्पैक्ट एंड इजी टू ऑपरेट ये इसका प्लांट है ठीक है बेसिकली द प्लांट इज कॉम्पैक्ट बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है ठीक है और इजी टू ऑपरेट ऑपरेट करने में भी क्या है आसानी है ठीक है आयरन और मैगनीज को भी वाटर से रिमूव करता है एडवांटेजेस क्या हैं दिस रिमूव आयरन एंड मैगनीज फ्रॉम वाटर लेकिन ये जो एडवांटेज है इसकी वजह से ये ट्रीटमेंट को क्या बना देता है कॉस्टलियर बना देता है ठीक है ये वाटर को क्या बना देता है ट्रीटमेंट को कॉस्टलियर बना देता है क्योंकि आयरन और मैग्नीज जब आपके रिमूव होते हैं तो वो आयरन और मैग्नीज के जियोलाइट फॉर्म कर लेते हैं ठीक है जैसे अभी हमने कैल्शियम और मैगनीजियम का जियोलाइट देखा था उसी तरह ये आयरन और मैगनीजियम के जो मैग्नीज के जोलाइट फॉर्म कर लेंगे ठीक है आयरन और मैग्नीज के जियोलाइट फॉर्म कर लेंगे अगर मैगनीजियम बोला है तो दैट विल बी मैग्नीज तो आयरन और मैग्नीज के जियोलाइट फॉर्म कर लेंगे लेकिन उनको रीजनरेट करने का तरीका क्या है कॉस्टलियर है तो ये रिमूव तो करता है आयरन एंड मैग्नीज को लेकिन वो प्रोसेस को कॉस्टलियर बना देता है और एडवांटेज क्या है नो स्लजिस फॉर्म स्लज का मतलब अगर हम नॉर्मली समझें तो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट ठीक है स्लज का मतलब समझें तो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट तो नो स्लजिस फॉर्म क्योंकि जो वाटर होता है उसमें आपके सोडियम सॉल्ट जो फिल्टर्ड वाटर होता है जो सॉफ्टेंड वाटर होता है उसमें सोडियम सॉल्ट प्रेजेंट रहता है वो सॉल्यूबल स्टेट में प्रेजेंट होता है तो कोई भी स्लज इसमें नहीं फॉर्म होता है तो जब कोई स्लज नहीं फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए स्लज का डिस्पोजल भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है डिसएडवाटेज बात करें तो डिसएडवांटेज ये होता है कि हाईली टर्बिडिटी वाटर के लिए यूज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता है नॉट सुटेबल फॉर ट्रीटिंग हाईली टर्बिड वाटर टर्बिडिटी बेसिकली सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट्स हैं उसमें तो क्यों नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सस्पेंडेड सॉलिड जियोलाइट की बेड पे यानी कि जियोलाइट्स के पार्टिकल के चारों तरफ एक लेयर बना देंगे और उसकी वजह से क्या होगा सॉफ्टनिंग प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी घट जाएगी ठीक है साथ ही साथ एडवांटेज क्या है लीव सोडियम बाई कार्बोनेट विच कॉजे प्राइमिंग इन इंडस्ट्रियल वाटर प्राइमिंग और फोमिंग ठीक है लीव सोडियम बाई कार्बोनेट विच कॉजेस प्राइमिंग इन सोडियम इन इंडस्ट्रियल वाटर यानी कि फोमिंग ऑपरेशन अगर हम इंडस्ट्रियल वाटर में या तो बॉयलर्स में ये वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे एक प्राइमिंग ऑपरेशन या तो फोमिंग ऑपरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये इसके क्या है डिसएडवांटेज है डिसएडवांटेज एक और ये भी है कि आयरन और मैग्नीज को तो रिमूव करता है लेकिन वो ट्रीटमेंट को क्या बना देगा कॉस्टलियर बना देगा तो ये आपकी बात हो गई जियोलाइट के एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डीमिनराइजेशन प्रोसेस की फिर उसके बाद बात करेंगे हम सोडा लाइम सोडा प्रोसेस की थैंक यू